नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जो भी 32,000 ANM कर्मी अपने काउंसलिंग की इंतज़ार कर रहा है उनके लिए बड़ी अपडेट है। इतनी गर्मी के बावजूद भी ANM कर्मी अपने मांग को लेकर पहुंच रहे हैं, बहाली प्रक्रिया को आयोग से मांग कर रही है। क्या कुछ हुआ है, जो कि मीटिंग रखा गया था ANM कर्मियों के द्वारा, उस मीटिंग की सारी अपडेट हम आपको बताएँगे, सारी सच्चाई हम आपको बताएँगे। आगे क्या कुछ होने वाले हैं, आयोग आपका जो काउंसलिंग है वो कब से शुरू करने जा रही है, और इसके लिए सबका साथ भी ज़रूरी है। तो जिस तरीके से ये सब पहुंच रहे हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं, तो आप लोग को भी इसका साथ देना चाहिए। आपको अपनी जॉब का अगर करना चाहते हैं, आपकी अपनी जॉब का फिक्र है, तो आपको सरकार से, आयोग से अपने जॉब के लिए मांगे करनी पड़ेंगे, क्योंकि इसमें समय लग रहा है। तो इसके लेकर जो ANM कर्मी है वो अपनी मांग को रख रहे हैं, क्या कुछ बोले जा रहे हैं इनके द्वारा, वो सारी अपडेट हम आपको बताते हैं। और पढ़ने के बाद हम योग्य हो चुके हैं, हम क्वालिफाइड हो चुके हैं, बहुत खुशी हो रहा है। आज भी हम सभी के घर में ये उम्मीद बना हुआ है कि तुम लोग के साथ तो जॉब होना ही है, क्योंकि कोई भी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, या कोई भी सरकार हो, कभी भी एजुकेटेड लोगों को साइड नहीं कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि हम, पता है हमें कि नौकरी पाना बहुत टफ है, लेकिन हम पा चुके हैं, हमें भगवान मिल चुके हैं, अब उनको धरातल पे लाना बहुत जरूरी है। बहुत धन्यवाद। हम प्रिया कुमारी हैं, हम बेगूसराय से हैं, और आज इतनी 40-42 डिग्री सेल्सियस में हम लोग धूप में आए हैं, और ये पिंटू जी भी इतने धूप में आए हैं, और हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा यहाँ आना कितना ज़रूरी है। अब सभी को समझना पड़ेगा कि हमारा यहाँ आना ही होगा, हम लोग को एक होना होगा, नहीं तो ऐसे हम लोग केस नहीं जीत पाएंगे। कभी कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, सबको जानना पड़ेगा ना कि हम लोग को एक होना है, और तभी हम लोग केस जीत पाएंगे, क्योंकि हमारे अधिकार के लिए, क्योंकि कोई और हमें ना ही खिलाएगा ना पिलाएगा, हम लोगों को खुद का खुद सोचना पड़ेगा। इसलिए सबको अब तो आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास लास्ट ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट का, और इससे अब कुछ भी नहीं है। मैं खगड़िया से आई हूँ, छोटी बच्ची को धूप में लेके आई हूँ। आप थोड़ा सा आप भी अफेयर, सॉरी, मैं शालिनी खगड़िया से आई हूँ, छोटी बच्ची भी इतनी गर्मी में लेके आई हूँ, मीटिंग अटेंड की हूँ। सर के बारे में सुना, पहले तो सिर्फ ऑनलाइन देखती थी सब कुछ, निगेटिविटी भी मैंने बहुत सारा देखा, पर इन सबको इग्नोर करते हुए मैं मीटिंग में आई हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मुझे कोई डाउट नहीं है, जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया है। हमको पता है कि हमारा टीम काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, और हमको पूरा उम्मीद है कि केस जीतेंगे हम। मीटिंग से हम लोग ने मीटिंग को अटेंड किया, आप लोग को भी अटेंड करना चाहिए था, नहीं हो पाएगा। कुमारी बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से हूँ, यहाँ सब ANM सिस्टर से, क्वालिफाइड सिस्टर से मिली हूँ, बहुत अच्छा लगा है हमको, इतने उम्मीद जगी है कि हमारी केस सुप्रीम कोर्ट से केस जीतेंगी। हम ज्योति कुमारी, हम जब तक घर में थे तब तक कुछ नहीं समझ में आता था, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या सही हो रहा है, कुछ नहीं मालूम था, लेकिन जब मैं यहाँ मीटिंग में आई हूँ तो सारा कुछ एकदम क्लियर हो गया है कि नहीं, हम लोग जीतेंगे ही, हम लोग के पास मजबूत एविडेंस है, उसके सहारे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मीटिंग में आने से बहुत अच्छा हुआ है कि हम लोग को सारा कुछ समझाया गया, बताया गया, उसके बाद हम लोग के समझ में आ गया कि नहीं, हम लोग सही हैं और आगे सही चल रहे हैं। कुमारी बेगूसराय से है, कल तक मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, बस सोशल मीडिया पे जो भी देखती थी, लेकिन आज मीटिंग में आने के बाद मेरा